अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं अरियान 75 ऑफिशियल। अल्लाह पाक की रहमत से आज के व्लॉग का कर दिया आगाज़। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके हैं, ये है Hyundai Genesis G90 2023 मॉडल। ये आपको इसका रिव्यू करवा देते हैं। पहले इसका फ्रंट पे आते चलें तो आपको यहाँ पे जी इसकी LED में लाइट्स देखने को मिल जाती है, फ्रंट लाइट्स जो कि बहुत ही नहायत ही खूबसूरत इसमें दी गई हैं। और साथ में यहाँ पे जी जो कि ये मल्टी में मौजूद है, यहाँ पे जी साइड इंडिकेटर भी इसके मौजूद है। नीचे की जाने पाते चलें तो आपको जी यहाँ पे फ्रंट सेंसर, पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। ऊपर ग्रिल की बात करते चलें तो यहाँ पे जी आपको ग्रिल जो कि यहाँ पे क्रोम और नीचे की जाने यहाँ पे ब्लैक में इसका टच देखने को थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसको गाड़ी को बना रहा है। नीचे की जानेब आपको दोनों जानेब आपको यहाँ पे रडार सिस्टम इस जानेब भी और उस जानेब भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे जी इसके जेनेसिस की बैजिंग मौजूद है ऊपर की जानेब। क्रोम के साथ इसकी फिनिशिंग लाइंस जो कि पूरे कवर किए हुए हैं, फ्रंट को भी और नीचे की जानेब भी क्रोम की लाइंस दी गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अग्रेसिव इसकी लुक दे रही है फ्रंट की जानेब से। यहाँ पे जी साइड इंडिकेटर इसका मौजूद है LED में। और नीचे की जानेब बात चलें तो आपको यहाँ पे जी इसका नहायत ही अच्छा और खूबसूरत सा इसका रिम दिया गया है अलॉय व्हील्स में। और साथ में जी इसका मिशलिन के टायर्स दिए गए हैं 20 इंचज में। ये जी इसके साइड इंडिकेटर है यहाँ पे LED में और यहाँ पे जी एक साइड पे भी इसको साइड इंडिकेटर दिए गए हैं। जो यहाँ आप इसके मिरर की बात करते चलें तो यहाँ पे जी इसका ब्लैक में इसके कलर के हिसाब से, कलर की मैचिंग के हिसाब से यहाँ पे जी इसका साइड मिरर दिया गया है। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे 360 व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपको यहाँ पे जी कीलेस एंट्री और इसके जो डोर हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। और जो ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं चलें तो आपको यहाँ पे जी लेदर में इसकी फिनिशिंग लाइंस दी गई हैं यहाँ पे ब्लैक में। नीचे की जाने बातें चलें तो आपको यहाँ पे एक स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि मज़ीद ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा रहा है दरवाजे की। और यहाँ पे जी ट्विटर एक देखने को मिलता है और नीचे की जाने आपको एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जी इसकी मेमोरी सीट्स के फंक्शंस दिए गए हैं। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे विंडोज़ कंट्रोल्स और आउटसाइड कंट्रोल देखने को मिलते हैं। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे साइड डोर जो कि आप यहाँ से ऑटोमेटिक पे भी बंद कर सकते हैं वन टच से। जो यहाँ गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको वेलकमिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सीट्स देखने को मिलती हैं और साथ में यहाँ पे सीट्स कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी जेनेसिस की बैजिंग है और गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपको यहाँ पे वेलकमिंग के लिए एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और साथ में जो ही आप डोर को इसको क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही नहायती खूबसूरत सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जी इसकी एम्बिएंट लाइट्स यहाँ पे भी डोर्स में देखने को मिल जाती हैं और फ्रंट पे भी आपको एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट की जानी बातें चलें तो आपको यहाँ पे जी हेडअप डिस्प्ले और साथ में लेदर की यहाँ पे लेदर का यूज़ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जी सेंटर में आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है। नीचे की जानी बातें चलें तो आपको यहाँ पर एक ह्यूज डिस्प्ले, ऑडियो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जी इसके वॉल्यूम्स और इसकी ब्राइटनेस अप्स एंड डाउन्स करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो ही आप इस जाने बातें चलें तो आपको यहाँ पे जी बैक ट्रंक ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे की जाने अगेन यहाँ पे पेपर का यूज़ किया गया है। जो चैनल्स वगैरह इसके वो आगे पीछे करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए करने के लिए या कॉल पिक अप एंड ड्रॉप के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सेंटर में जी इसका यहाँ पे एयरबैग मिलता है और साथ में जेनेसिस की बैजिंग है यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे जी जो ही आप राइट साइड पे आते चले तो आपको यहाँ पे टच में इसका क्रूज़ सेटिंग करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। और साथ में जी अगेन यहाँ पे भी वॉल्यूम अप्स एंड डाउन्स करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। जो ही आप ऊपर की जानेब आते चलें तो आपको यहाँ पे जी पैडल शिफ्टर्स दोनों जानेब देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे लाइट्स के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, साथ में यहाँ पे वाइपर के ऑप्शन। और नीचे की जानेब आते चलें तो आपको यहाँ पे दो AC इवेंट और साथ में जी यहाँ पे अगेन मज़ीद खूबसूरती देने के लिए, गाड़ी को मज़ीद ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए यहाँ पे स्टिकर का यूज़ किया गया और साथ में एम्बिएंट लाइट्स जो कि बहुत ही खूबसूरत गाड़ी को लुक देती हैं। और यहाँ पे जी अगेन यहाँ पे क्रोम की लाइन छोटी सी बारीक सी दी गई है, जो कि दरवाज़ों के अंदर भी मौजूद है।
जो ही आप नीचे की जाने बातें चले तो आपको यहाँ पे जी ग्लव बॉक्स लाइट्स के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे आते चले तो आपको अगेन यहाँ पे टच में इसके फंक्शंस वगैरह और मीडिया कंट्रोल्स और क्लाइमेट कंट्रोल इसके टच में देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है। नीचे की जाने बातें चले तो आपको यहाँ पे दो कप होल्डर मिलती है। यहाँ पे जी ट्यूनिंग इसकी मेन्यू इसका मीडिया वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे और वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जो ही आप नीचे की जाने पर आते चलें तो आपको यहाँ पे गियर नोब दी गई है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड यहाँ पे वन पुश पे इसको पार्किंग पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे जी मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे भी मौजूद है। नीचे की जाने यहाँ पे आपको सीट्स के लिए वेंटिलेटर और हीटेड सीट के ऑप्शन दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर मौजूद हैं और यहाँ पे जी ड्राइव मोड आप यहाँ से भी चेंज इसके कर सकते हैं। और यहाँ पे जी ड्राइव मोड यहाँ से बटन से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ जी 360 व्यू कैमरे के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे जी नीचे की जानी यहाँ पे वायरलेस पैड दिया गया है। वन टच पे इसको ओपन करेंगे जी और यहाँ पे जी आपको कंसोल बॉक्स, दो USB सॉकेट्स और एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ देखने को मिल जाता है। सीट्स की कुछ नहीं है इसकी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे जी साइड पे भी आपको यहाँ पे पिलर में भी यहाँ पे सॉफ्ट में लेदर का यूज़ देखने को मिलता है और ऊपर की जानेब आपको अगेन यहाँ पे लेदर का यूज़ देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है और साथ में जी यहाँ पे एक लाइट दी गई है और वैनिटी मिरर है साथ में। यहाँ पे जी इस जानेब आपको वैनिटी मिरर अगेन यहाँ पे दिया गया है लाइट के साथ। ऊपर की जाने बातें चलें तो आपको यहाँ पे जी इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मौजूद है और साथ में LED लाइट्स का लाइट्स के ऑप्शन मौजूद हैं। साथ में यहाँ पे आपको जो इनका हाई पास है उसका ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे इसको सनरूफ को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं इसके। तो यहाँ पे ड्राइवर साइड की बात करते चलें तो आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे लाइट के साथ वैनिटी मिरर दिया गया है और ऊपर की जानेब आपको यहाँ पे वॉइस कमांड के लिए और ओपन कर सकते हैं आप और साथ में इसकी जो एम्बिएंट लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यहाँ पे जी ड्राइवर साइड और यहाँ पे अगेन सीट्स के साथ भी आपको एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल जाती हैं इसकी खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे आप एम्बिएंट लाइट्स के जो फंक्शंस वगैरह इसके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। पीछे की जानी बातें चलें तो आपको यहाँ पे अगेन नहायत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे लग्जूरियस इसका माहौल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लेदर स्टिकर अगेन लेदर का यूज़ किया गया है और आपको यहाँ पे जो मतलब क्रोम हैंडल है, क्रोम हैंडल की बजाय यहाँ पे वन टच पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपको यहाँ पे अगेन जो आपको ड्राइवर सीट है, ड्राइवर सीट के पीछे यहाँ पे स्टिकर का यूज़ किया गया है, साथ में इसको क्रोम का यूज़ है। यहाँ पे पीछे की जानेब आपको यहाँ पे अगेन फाइल होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जी एक USB सॉकेट है और साथ में 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दी गई है और साथ में दो क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं और नीचे आप यहाँ से इसको नीचे करके यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स और साथ में इसका क्लाइमेट कंट्रोल्स भी अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पीछे की जानिब से भी यहाँ से टच से भी कर सकते हैं और इसकी नोब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जी इसका अगेन कंसोल बॉक्स दिया गया है पीछे की जानिब अगेन और यहाँ पे चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। यहाँ पे जी इसको सीट्स को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, यहाँ से अपने कम्फर्ट के लिए। पीछे की जाने बातें चलें तो आपको यहाँ पे जी यहाँ पे फ्यूल टैंक इसका देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पीछे की तरफ आते चलें तो आपको एक नहायत ही खूबसूरत सी फील देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जी LED में टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे साइड इंडिकेटर और साथ में नीचे की जाने बातें चलें तो आपको एक ह्यूज एग्जास्ट देखने को मिल जाता है। साथ में G90 की बैजिंग है, अगेन ड्यूल एग्जास्ट आपको दोनों जाने देखने को मिल जाता है।
ऊपर की जाने बात चलें तो आपको जी यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ के पीछे की जाने शार्ट फिन एंटीना और साथ में एक बैक लाइट, खूबसूरत सी बैक लाइट देखने को मिल जाती है। और साथ में जो ही आप पीछे की जाने बात चलें तो आपको यहाँ पे जी रियर कैमरा और वन टच पे आप इसको ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जी आप इसको वन टच पे ओपन करेंगे जो कि ऑटोमेटिक में मौजूद है। पीछे की जानी यहाँ पे जी स्टील का वर्क किया गया है और नीचे की जानी यहाँ पे आपको अगेन फैब्रिक का वर्क देखने को मिल जाता है। नीचे की जानी आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है जो कि इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे जी नीचे की जानी कुछ टूल्स वगैरह इसके गाड़ी के दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे कुछ स्पेस मौजूद है दोनों जानी। अगेन इसको वन टच से इसको ओपन करेंगे। जो कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। नीचे की जानब आपको यहाँ पे एक क्रोम की लाइन देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत दी गई है। नीचे की जानब आपको पार्किंग सेंसर्स के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। जो ही आप फ्रंट की जानब आते चलें तो आपको अगेन यहाँ पे कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है और साथ में इसके डोर हैंडल्स की बजाय यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ये जी इसका इंजन जो कि 3.5 लीटर V6 इसका इंजन दिया गया है, टर्बो GDI टर्बो चार्ज इंजन है जी इसका। यहाँ पे जी आपको सेफ्टी हुक्स देखने को मिल जाती हैं दोनों जाने। यहाँ पे जी इसका पूरा इंजन जो कि कवर किया हुआ जेंसिस की बैजिंग के साथ यहाँ पे जी कवर मौजूद है। यहाँ पे जी साउंड प्रूफिंग के लिए नीचे की जानब आपको यहाँ पे शीट देखने को मिल जाती है। दोनों जानब आपको यहाँ पे जी हाइड्रोलिक शॉक देखने को मिल जाते हैं। 380 इसकी हॉर्स पावर है और 54 इसकी न्यूटन मीटर टॉर्क दी गई है। उम्मीद करता हूँ मुझे आपको मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।